मैं इसे थोड़ा डिफर करूंगा आपसे कि इंडिया का जो माइंडसेट है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। मुझे एक दिन बता दें कि ऐसी बात हुई हो, याद है शाह महमूद कुरैशी साहब के फार्म के साथ मीटिंग कर रहे थे, उनको उठना पड़ गया, ये अनरीजनेबल हो जाते हैं, प्रोवोक करते हैं। अब देखिए इमरान खान ने कौन सी गलती कर दी, भाई एक उसने जेस्चर दिया, अच्छा बाबा हमारे साथ बात करो, लेट्स स्टार्ट द पीस प्रोसेस इन इंटरेस्ट ऑफ टू नेशंस, उसको डिमाइंड कर दिया। ये बेइज्जती सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की थी, इसलिए मैं खड़ा हो गया सोशल मीडिया पर, मैंने लीड किया पाकिस्तान के सोशल मीडिया टीम को, पूरे पाकिस्तान को, और ये साबित किया कि तुम प्राइम मिनिस्टर मोदी गलती पे हो। तुम्हारा एक माइंड सेट है कि तुम हमेशा जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है तुम पाकिस्तान की एंटी सेंटीमेंट जो है उसको एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हो। आज भी तुमने ये एक फैसला किया एक वार लाइक सिचुएशन करके फिर तुम इलेक्शन जीत सको, तो मैंने कल ये कह दिया, उसके बाद पूरे इंडिया ऐसे लग रहा है जैसे मैं उनका दुश्मन बन गया। मेरी एक अच्छी मासूम सी बात, मैंने कहा ये जो जेट स्कैंडल है जिसे जेट गेट का मैंने नाम दिया कि इसको अगर इन्वेस्टिगेट हो गया तो आने वाले वक्त में मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अगर ये राहुल गांधी इसको परसू करता है तो मैं राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देख रहा हूँ। तो गलत बात नहीं थी, मैं एक अदना सा पॉलिटिशियन भी हूँ, वर्कर भी हूँ और एक मैं राइटर भी हूँ, मेरी एक इंडिपेंडेंट सोच है, मैं उसके मुताबिक मैंने बात की। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का गाली ब्रिगेड जो है पूरा गाली कोर वो मेरे खिलाफ शुरू हो गया, आपने सारा देखा होगा, बट मुझे खुशी हुई कि पूरे पाकिस्तान की यूथ ने मेरा साथ दिया और हमने साबित किया कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ बात होगी तो सब एक है। अगर ये कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं पीटीआई के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया लेटर लिखा तो उसको डिफेंड ना करो, नो वी शुड डिफेंड, हमारी एक अलग बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाउस से नहीं एक एंडोर्समेंट दी वो हमारा उसका मामला है, हम बात करेंगे, हम अभी भी आगे भी बात करेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर और अगेंस्ट एनीबॉडी वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड देम। अब आखिरी बात मैं ये करूँगा, मेरी अपील होगी आपके थ्रू पूरी इंडियन बहन भाइयों के पास कि हम खुदारा आपके खिलाफ नहीं, हम आपसे जंग नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि हमारी तस्लील करो, अगर आप लोगों ने डायलॉग हमसे करना तो इक्वालिटी की बुनियाद पे करो। और आखिरी लफ्ज़ कहूँगा और मैसेज होगा टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई एम वार्निंग यू बी केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट अस, आई टेल द सेम थिंग टू द इंडियन आर्मी चीफ दैट बिफोर यू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान आर एनी थ्रेट माइंड इट वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट एंड आवर डिफेंस फोर्सेज एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान नो हाउ टू रिस्पॉन्ड यू एंड हाउ टू काउंटर यू, सो प्लीज डोंट प्ले विद द इमोशंस ऑफ पाकिस्तानीज एंड डोंट डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ दिस रीजन जस्ट फॉर योर पेट पर्पस।